मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में हमारा टॉपिक है आज का वचन, और दूसरा टॉपिक है, पहला टॉपिक हमारा वचन है और दूसरा टॉपिक है हमारा लिंग। वचन क्या होते हैं? वचन वे शब्द होते हैं, संज्ञा के वे शब्द कहलाते हैं जिनसे हमें उनके एक या एक से अधिक होने का पता चले। जैसे कि मैंने, मान लीजिए आपको एक एग्जाम्पल दिया कि कोई चीज़ है, जैसे मैंने बोला तकिया, तो तकिया का अगर हम एक वचन से बहुवचन में बनाएंगे तो हो जाएगा तकिए। अब तकिया जो था वो क्या था? हमारा एक वचन, यानी कि वो संख्या में क्या, कितना था? एक था। जैसे ही वो एक से ज़्यादा हो गया तो वो क्या हो गया? तकिए हो गया, है ना, यानी कि वो एक से ज़्यादा का बोध करा रहा है। इसी तरीके से वचन जो हमारे होते हैं दो प्रकार के होते हैं, इन्हें दो प्रकार से बांटा जाता है। पहला होता है हमारा एक वचन जो आपको लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा है, और दूसरा होता है हमारा बहुवचन जो आपको राइट हैंड साइड में दिख रहा है। तो एक वचन वे शब्द होते हैं जो किसी भी संज्ञा शब्दों के एक होने का पता लगाए या एक का ही बोध हो जिनसे हमें, है ना, और जिनसे एक से अधिक का बोध होता है वे कहलाते हैं बहुवचन। तो हमारे एग्जाम्पल्स में यहाँ पे दिया हुआ है सबसे पहला पुस्तक। तो पुस्तक क्या है? पुस्तक, जब तक पुस्तक है तब तक वो एक है। जैसे ही हमने पुस्तक को पुस्तके कर दिया तो वो क्या हो गई? एक से ज़्यादा हो गए। इसी तरीके से कविता का कविताएं हो गया, साड़ी का साड़ियाँ हो गया, नदी का नदियाँ हो गया, आँख का हो जाएगा आँखें, चाबी का हो जाएगा चाबियाँ, और रानी का हो जाएगा रानियाँ। आपको क्या करना है? एक वचन से बहुवचन बनाना है। कोई भी जो वस्तु का नाम है वो एक वचन में दिया हुआ है तो आपको उसे बहुवचन में बनाना है। तो ये थे हमारे वचन। आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए हो तो ठीक है, नहीं तो आप मुझे पर्सनली अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लिंग। लिंग क्या होते हैं? लिंग वे शब्द होते हैं जिनसे स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है, यानी कि इनसे पता चलता है कि कौन सा शब्द स्त्री जाति का है और कौन सा शब्द पुरुष जाति का है। तो लिंग कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। ऐसे तो हिंदी में चार प्रकार के लिंग होते हैं, परंतु हमें अभी दो प्रकार के ही पढ़ने हैं। तो हमारा जो हमें दिया हुआ है, एक तरफ हमको पुल्लिंग दिख रहे हैं और दूसरी तरफ हमको स्त्रीलिंग दिख रहे हैं। तो पुल्लिंग का अर्थ वे शब्दों से होता है कि जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं, जैसे पिता, भाई, राजा, चाचा, ये शब्द कैसे हैं? इनसे पुल्लिंग का बोध हो रहा है, ये पुरुष जाति के अंतर्गत आते हैं, यानी कि लड़कों में। और इसी तरीके से जो हमारे स्त्रीलिंग होते हैं वो स्त्री जाति का बोध कराते हैं, जैसे किसी लड़की का नाम हो गया, या फिर रानी हो गया, बहन हो गया, मामी हो गया, चाची, नानी, ये सब किस में आते हैं? हमारे स्त्री जाति में आते हैं, जिनसे स्त्री का बोध होता है, यानी कि लड़की जाति का, है ना। तो आपको समझ आया बच्चों कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ? लिंग होते हैं दो प्रकार के, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। हमें दो प्रकार के पढ़ने हैं, वैसे चार प्रकार के होते हैं। तो अब हमें एग्जाम्पल्स में क्या दिया हुआ है? सबसे पहला हमको शब्द दिया हुआ है राजा। राजा आता है पुल्लिंग के अंतर्गत, तो राजा का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? रानी। आप लोगों ने इंग्लिश में जेंडर्स पढ़े हैं ना, वही होते हैं। तो जो मस्कुलाइन और फेमिनाइन जेंडर हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है बच्चों, अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो तो आप मुझे पर्सनली क्वेरी कर सकते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है भाई। भाई का स्त्रीलिंग क्या होगा? बहन। इसी तरीके से मामा का मामी, नाना का नानी, अध्यापक का अध्यापिका। अध्यापक कौन होते हैं? टीचर, है ना, जैसे कि हम इंग्लिश में टीचर को, मतलब जैसे जो सर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? सर बोलते हैं। और सर के अगर हम फेमिनाइन जेंडर यानी कि स्त्रीलिंग सोचेंगे तो क्या होगा? मैडम होगा। तो इंग्लिश में जो सर होते हैं वो हिंदी में अध्यापक होते हैं, और अध्यापिका होती है मैडम। आगे हमको दिया हुआ है पिता। पिता तो जानते ही हैं, पापा को क्या बोलते हैं? पिता बोलते हैं। उनका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? माता।
इसी तरीके से शेर का हो जाएगा शेरनी। और भी कई सारे एग्जाम्पल्स होते हैं हमारे पास, जैसे लड़का का लड़की हो जाएगा, है ना। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं। अब मैंने आपको इससे पहले वचन बताया था, वचन को आप कैसे पहचान सकते हैं, और आप इंग्लिश में पढ़ते हैं सिंगुलर एंड प्लूरल, सिंगुलर वर्ड एंड प्लूरल वर्ड्स होते हैं, जो हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं, प्लूरल से सिंगुलर बनाते हैं, उन्हीं को हम हिंदी में वचन बोलते हैं। सिंगुलर को बोलते हैं एक वचन, और प्लूरल को बोलते हैं हम बहुवचन। और हिंद और लिंग को हम बोलते हैं इंग्लिश में जेंडर, जेंडर यानी कि लिंग, जो हमें किसी जाति का बोध कराए, वे शब्द होते हैं लिंग। और इसमें होते हैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, यानी इंग्लिश में हो जाएंगे मस्कुलाइन जेंडर और फेमिनाइन जेंडर। आगे हमको इसके बारे में मैं आपको बहुत सारी और चीजें बताऊंगी। आज के लिए बस इतना ही। नाउ क्लास इज ओवर। स्टूडेंट्स, अगर आपको कुछ भी डाउट्स हो तो आप मुझे पर्सनली बता सकते हैं। मैं आपको इसके लिए अपना व्हाट्सएप नंबर ग्रुप में सेंड करूंगी, देन आपको उसी पर अपनी सारी क्वेरीज देनी है। ओके, बाय बाय।